फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन जो स्लो चार्ज होता है तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन का ना ये फाइल का ऐप ओपन कर लेना है। इस फाइल के ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन ऐप्स पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फोन को चार्ज करेंगे ना तो आपको अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको हमेशा यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किसी भी दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए। इससे हमारा फोन जो है ना चार्ज होता तो है लेकिन स्लो चार्ज होता है, क्योंकि देखिए दूसरे फोन का जो चार्जर होता है ना वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल फोन को नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन के डेटा का ना बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी है ना स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपका मोबाइल फोन स्लो चार्ज हो रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताया ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताया, ठीक है।